सुबह का अखबार पढ़ने के बाद मुझे ध्यान आया कि क्यों ना आज एंटी एजिंग टोनर बनाया जाए। पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया था वो था विटामिन सी का सीरम एंड टोनर, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करने वाले हैं एंटी एजिंग सीरम और टोनर। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने राइस को अच्छे से धो लिया। मैंने लिया है 2 टीस्पून राइस और मैं उसे एक अच्छे से 2 बार वॉश कर लूँगी। फ्रेंड्स, राइस में होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स जो हमारे फेस को ग्लोइंग बनाते हैं, और इसके अंदर मॉइस्चराइज़र भी होता है जो हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और जो इसका सबसे प्यारा क्वालिटी होता है ना, ये पोर्स को टाइट करता है, श्रिंक करता है, और एंटी एजिंग में हेल्प करता है। क्लिंजिंग तो ये करता ही है। तो ये जो एंटी एजिंग और टाइट पोर करने वाली क्वालिटी है ना, ये बहुत अच्छी होती है राइस वाटर टोनर की। तो अच्छे से मैंने इसे 2 बार धोल वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद अब मैं इसको एक ग्लास बॉटल में रख लूँगी। स्टील या मेटल वाले में ये सब चीज़ें बनाना थोड़ा सेफ नहीं रहता, तो मैंने इसीलिए अलग से कुछ कुछ ग्लास बॉटल्स सेपरेट रखे हैं जो मैं अपने फेस के रूटीन में यूज़ करती हूँ। तो मैंने वाटर इसमें श्रिंक कर दिया, और मैंने चम्मच से धीरे धीरे मैंने इसको इसमें पानी डाल दिया अपना, और पानी डालने के बाद मैं अब इसमें चम्मच से धीरे धीरे अपना राइस डाल दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मेरा राइस वाटर अभी बॉटल में रेडी है। अब इसको फर्मेंटेशन करने के लिए मैं 24 आवर्स के लिए रख दूंगी। और देखिए, मेरे पास कुछ रोज़ पेटल्स भी थे तो मैंने रोज़ पेटल भी डाल दिया, और मैं अब इसको 24 आवर्स के लिए रख के छोड़ दूंगी। ये 24 आवर्स के बाद कल सुबह फिर मैंने इसे निकाला, और देखिए मैंने इसको स्ट्रेनर से, नेक्स्ट डे मैंने उसको स्ट्रेनर से राइस अलग कर दिया। राइस में चिड़िया लोगों को खाने के लिए डाल दूंगी, और टोनर मेरा रेडी हो गया है। इस टोनर को मैं अपने फ्रिज में रखूंगी, हमें फ्रीजर में इसे रखना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको अपने लेवल में बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे यूज़ करती हूँ। हमारे पास 3-4 मेथड्स हैं यूज़ करने के लिए। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको इसको फ्रिज में रखना है, और आप इसे 1 वीक तक रख सकते हैं। तो आपको इवनिंग टाइम में एक कटोरी में थोड़ा सा 2 चम्मच टोनर को निकाल लेना है, और कॉटन पैड की हेल्प से आप अपने फेस में लगा सकते हैं। तो ये आपका, उसके बाद आप उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। एक तरीका ये हुआ। सेकंड तरीका ये है कि आप इसे स्प्रे बॉटल में भर के रख दीजिए, और दिन में 2-3 बार जितना हो सके आप इसको स्प्रे बॉटल से अपने फेस पे स्प्रे कर लें, रात में भी सोने के समय ज़रूर करें। थर्ड मेथड ये है कि अगर आप शीट मास्क यूज़ करते हैं तो आप अपने बॉल में थोड़ा सा पानी निकालेंगे ये राइस वाटर वाला, और उसमें अपना शीट मास्क भी डाल दीजिए, और इसे 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। शीट मास्क से भी जो है गुडनेस बहुत जल्दी अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो स्किन पर रहता है। फोर्थ मेथड ये है कि आप इसे रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं अपने बर्फ़ जमाने वाली ट्रे में, ताकि आप उसे रोज़ रात पे स्किन पे धीरे धीरे रब कर सकते हैं। मतलब एकदम डायरेक्टली आपको आइस रब नहीं करना है, उसको मेल्ट होने के बाद आप धीरे धीरे रब कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, आप मार्केट से इतने हज़ारों रुपए के प्रोडक्ट्स ख़रीद के लाते हैं और यूज़ करते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को अप्लाई करिए, आप देखेंगे कि ये लॉन्ग लास्टिंग, आपको पूरे लाइफ टाइम फ्यूचर में ये चीज़ें हेल्प करेंगी, वो भी विदाउट किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो आप बिना देरी के आज ये सीरम टोनर जो है ये बनाएं, और इसको अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।